वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी के ऊपर किस तरह से लोग फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। उसके बावजूद स्थानीय जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के द्वारा जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई हमला ही नहीं हुआ। ग्रुप में डीजीपी से आग्रह करते हैं और फिर चीफ सेक्रेटरी से कि आप दोनों लोग अपने लेवल से जांच कराइए कि इसमें क्या साजिश है, कैसे घटना हुई, क्यों घटना हुई, इसकी जांच दोनों लोग मिलकर करें। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिन उपेंद्र कुशवाहा जब बक्सर से पटना लौट रहे थे, उस दौरान आरा के जगदीशपुर में उनके काफिले पर हमले की खबर सामने आई थी। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और खुद उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी पुष्टि अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी किया था। लेकिन इसी को लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा एक नया खुलासा कर रहे हैं और जो प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा दी गई उसको उन्होंने किस प्रकार से लिया है और उस जांच रिपोर्ट पर इनकी क्या प्रतिक्रिया आई है और कौन सा नया वीडियो वो दिखा रहे हैं, वो पहले आप देखिए और उपेंद्र कुशवाहा को सुनिए। तो जो घटना हुई, हम जा रहे थे, बाकी ट्वीट करके भी हमने उसकी जानकारी दी है, तो उस पर तो बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ सिर्फ हम आपको दिखाना चाहते हैं, घटना के बाद जो वहाँ स्थानीय पदाधिकारी की ओर से, जिसमें SDPO और SDO अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अनुमंडलाधिकारी दोनों के द्वारा जो एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के नाम पर कुछ जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं है। तो हमला हुआ कि नहीं हुआ, हम सिर्फ आपको एक वीडियो, एक मिनट से भी कम का है, आपको दिखाएंगे। जो वीडियो आया है, यद्यपि वह वीडियो वायरल है, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी के ऊपर किस तरह से लोग फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। उसके बावजूद स्थानीय जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के द्वारा जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई हमला ही नहीं हुआ। तो हम यह दिखाएंगे आपको और इस वीडियो को हम कहना चाहते हैं, जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं DGP या फिर जो प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी हैं चीफ सेक्रेटरी, दोनों मिलकर जांच करें। नीचे के जो इनके पदाधिकारी हैं, इन्होंने जांच रिपोर्ट दी है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कह कर दी है और उसमें सीधे तौर पर कहा कि हमला नहीं हुआ है, जबकि हमला पत्थर फेंकते हुए वीडियो है। वीडियो तो हमने घर में नहीं बना लिया, हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन दिखाकर हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। उसके पहले हम DGP से आग्रह करते हैं और फिर चीफ सेक्रेटरी से कि आप दोनों लोग अपने लेवल से जांच कराइए कि इसमें क्या साजिश है, कैसे घटना हुई, क्यों घटना हुई, इसकी जाँच दोनों लोग मिलकर करें। वीडियो हम दिखा रहे हैं, पता नहीं दिखेगा या क्या। तो उपेंद्र कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, लेकिन पिछले दिन जो घटना उनके साथ घटी थी, जो काफिले पर उनके पथराव की खबर सामने आई थी, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुलिस ने जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें ये जानकारी दी है कि कोई पथराव नहीं हुआ था। लेकिन खुद उपेंद्र कुशवाहा ने वो वीडियो दिखाया जिसमें उनके काफिले पर पत्थरबाजी की जा रही थी। हालांकि इस मामले में अभी जांच चल रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने DGP RS भट्टी को सीधे तौर पे ये कहा है कि उनको इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच कराने की ज़रूरत है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।